ब्रेकिंग न्यूज बता दें कि मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और हादसे में 150 लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है प्रशासन की तरफ से और साथ ही घायलों का भी आंकड़ा बढ़ा है। इस हादसे में अब तक 150 लोग घायल हुए हैं जिनकी सूचना मिल रही है। हरदा में ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और जहां पर एसडीआरएफ के बाद अब एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है। जो मलबा है उसको हटाने का काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तमाम यहां पर जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ है वो टीम है यहां पर काम कर रही है। अब ये मलबा धीरे धीरे हटाया जा रहा है। मलबा के हटाने के बाद वो देख रहा है यानी कि जो गाड़ी है यहाँ पर मेटाडोर थी उसको हटा दिया। उसके बाद से यहाँ पर टिफिन मिला है खाने का, जो एक टिफिन होता है उसको इन्होंने निकाला है। यानी कि अब एनडीआरएफ की टीम किस तरह से देखिए अब खंगाल रही है। यानी कि फिलहाल तो यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो ये पूरा मलबा था फैक्ट्री के अंदर, दो माला ये मंजिला फैक्ट्री थी जो जिसको यहाँ पर ध्वस्त हो गया पूरी तरह से। अब यहाँ पर देखो किस तरह से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर ये ईंट हटाई जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है जो ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज़ मौके पर मौजूद है, दिखा रहा है। ये देखिए किस तरह से कागज़, अब जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो कागज़ जल निकल रहा है बाहर। यानी कि यहाँ पर कुछ उनको जिस तरह से जो मलबा ये हटाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन इसके नीचे भी बहुत चीज़ें सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इसके नीचे क्या होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से, हाँ ये आप देख सकते हैं बॉडी निकली है, एक एनडीआरएफ ने एक बॉडी निकाली। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी बीच हरदा हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने आपात बैठक की और राज्य के सभी डीएम के साथ ये मीटिंग की है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। पटाखा फैक्ट्रियों को लेकर रिपोर्ट सभी से मांगी गई है। जो तमाम पटाखा फैक्ट्रीज हैं उन पर रिपोर्ट मांगी गई है राज्य के सभी जिला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की ये महत्वपूर्ण बैठक। हरदा हादसे के बाद सीएम ने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और एबीपी न्यूज के संवाददाता नितिन ठाकुर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और नितिन ने चश्मदीदों से भी वहां पर बात की और जाना कि हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पटाखा फैक्ट्री है इसमें क्या चल रहा था वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे तमाम जो एबीपी न्यूज़ के दर्शक हैं उनको हम ये बता रहे हैं, ये रस्सी बम होते हैं। जो रस्सी बम का कारोबार होता है वो मध्य प्रदेश के हरदा में बड़े स्तर पे होता है। ये रस्सी बम आप देख सकते हैं, इसे सुतली बम बोलते हैं और ये देखिए ये बारूद निकल रहा है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरा से, ओमेन सर से। ये देखिए किस तरह से बारूद है, इस बारूद को इस रस्सी बम यानी कि बनाकर यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में सप्लाई किया जाता है। और ये रस्सी बम पूरी तरह से आप देख सकते हैं ज़मीनों पर पड़े हैं। यहाँ पर बड़े स्तर पर रस्सी का आप देख सकते हैं, ये एक गोदाम है जहाँ पर रस्सी का जो बोरे होते हैं, जो रस्सी होती है वो रखी हुई है, तो वो जल के खाक हो चुके हैं। और ये जो फैक्ट्री है 2.5 एकड़ के अंदर बताई जा रही है, 2.5 एकड़ के अंदर इस फैक्ट्री को बनाया गया था। तमाम जो माले हैं वो दो दो मंजिले माले थे और इसके अंदर तल घर भी था शायद, जो यहाँ के प्रदर्शी बता रहा है कि तल घर था, उस तल घर में भी यहाँ पर माल रखा हुआ था। और जस्ट आप देख सकते हैं ये जो फैक्ट्री है फटाखा फैक्ट्री, इन गोदामों में आग तो लगी गई है। यहाँ पर ये रस्सी बम का कारोबार किया जाता था और इसी बीच में जस्ट सामने जो माल है वो किस तरह से रख दिया जाता था वो आपके जस्ट सामने है। वो पूरे मकान क्षतिग्रस्त होगा, इतना बड़ा भयानक ब्लास्टिंग हुआ। इसके बाद से यहाँ पर कई यानी कि 9 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, अग्रवाल जी, हम इनसे ही बात करेंगे। सर क्या अग्रवाल जी, पूरा नाम क्या है आपका? प्रशांत अग्रवाल। अच्छा प्रशांत जी, ये बताया जा रहा है कि जो पटाखा फैक्ट्री है हरदा शहर के मध्य में है, बेरागढ़ गांव में ना? जी। अच्छा, वार्ड नंबर 31 में है सर। वो एकदम बहुत जम की धमाका हुआ। पहले धमाके में तो लगा कि यहाँ ठीक कोई एक पिकअप में आग लगी थी, पर सेकंड धमाका इतना भयंकर था साहब कि यानी कम से कम अगल बगल का 10-20-25 किलोमीटर का एरिया पूरा हिल चुका। लोग बिल्कुल घबरा के अपने पूरे शहर में अपने घर से बाहर आ गए। बच्चे उन रोने लगे, महिलाएं रोने लगी, बहुत घबराने लगी और लोगों ने ये समझा कि इस शहर में क्या हो गया। यानी एकदम फिर रेगुलर 5 धमाके हुए। इसके बाद प्रशासन का बिल्कुल जो भी है, प्रशासन फुल सहयोग कर रहा है। प्रशासन ने 250-250 किलोमीटर के पूरे जितने पानी के टैंक हैं वो बुला के इस आग पे काबू पाया। प्रशासनिक अमला यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से लगा हुआ है। अच्छा, जो आसपास के रहवासी उनके पूरे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं ब्लास्टिंग से? हाँ,
काफ़ी क्वांटिटी में मकानों को क्षतिग्रस्त हुआ है, कुछ खेतों में फसल का नुकसान हुआ है, गाड़ियां भी चलने से लोगों को इंजरी बहुत हुई है, मकान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।